हेलो दोस्तो, दोस्तों वेलकम टू माय चैनल दोस्तों देखिए आज मैं ये एक जूती का पैटर्न लेके आई हूँ दो रंगों में मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से आप अपने मनपसंद किसी भी दो कलर में इसको बना सकती हैं ये साइज जो मेरा है जूती का वो है फोर टू फाइव फुट साइज के लिए चार से पांच नंबर के जिसको चप्पल या जूती आती है उनके लिए है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकती हैं। बस फंदे थोड़े से फर्क हैं। थोड़ा सा ज्यादा फंदा डाल लेंगी और बड़ा साइज बन जाएगा ये मैंने बनाया है बेबी वूल से और 10 नंबर की सलाई से तो देखिए ये मेरे दो कलर हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी दो कलर ले सकती हैं। मैंने बनाया है दस नंबर की सलाई से तो ये देखिए ये है मेरी दस नंबर की सलाई और इसको बनाने के लिए आपको क्रोशिया भी एक चाहिए होगा जो भी आपके पास हो उससे बन जाएगा प्लस सुई और कैची ये तो नॉर्मल है तो चलिए फंदा डालना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने डाला है टोटल 96 सिक्स और ये बना है नीचे से आपको बड़ा साइज बनाना होगा फाइव टू सिक्स सेवन नंबर के लिए तो आप टोटल 106 फंदे डाल सकती हैं मैंने 96 फंदे डाले हैं नीचे से हमने स्टार्ट किया है तो लाइट कलर से मैं इसका फंदा डालूंगी ये है मेरा फोर प्लाई का ऊन बेबी वुल आप अपने हिसाब से कोई भी ऊन ले सकती हैं। अपने हाथ के हिसाब से सिलाई चूज कर सकती हैं। तो मैं इसको बना रही हूं दस नंबर की सिलाई से और इस तरह से देखिए करते हुए मैं टोटल डालूंगी इसमें नाइन्टी सिक्स फंदे यानी कि छानबे फंदे तो ऐसे सिंगल धागे से हम फंदा डाल लेंगे इस तरीके से टोटल नाइन्टी सिक्स फंदे देखिए आप चाहे तो इसको सर्कुलर नीडल से भी बना सकती है नॉर्मल नीडल से भी बना सकती है जो भी सलाई आपके पास है आप उससे बना सकती है अपने हाथ के हिसाब से सलाई यूज करिएगा क्योंकि हाथ अगर टाइट है आपका तो आप थोड़ी मोटी सिलाई लीजिए और लूज है तो पतली सलाई का यूज करिए तो ये देखिए इस तरीके से टोटल नाइन्टी फंदे मैं डालूंगी ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल नाइन्टी फंदे डाल लिए हैं और इसको अब हम बीनेंगे उल्टा उल्टा दोनों तरफ से तो इस तरह से देखिए नीचे से ये स्टार्ट है तो पहली सलाई पहला फंदा यहाँ पे मैंने बीन लिया है अगली बार से पहला फंदा हम नहीं बीनेंगे उतार लेंगे तो इस तरह से उल्टा उल्टा एक सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से पूरी सलाई उल्टा उल्टा पहली सलाई ये देखिए पहली सलाई इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनते हुए लास्ट फंदा हम ऐसे सीधा बिन देंगे इसी तरीके से टोटल हम 18 सलाई बनाएंगे यानी कि नौ लाइन हमारी यहाँ पे आएगी तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी एक दो तो, तीन चार पच छह सात आठ नौ एक सिलाई हमने बना लिया है सत्रह सिलाई और हम बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए लास्ट फंदा आप सीधा बिनिएगा और अब ये पहला फंदा हम उतार लेंगे तो यहाँ से अब हम इसी तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए नाइन लाइनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी यानी कि अट्ठारह सिलाई एटीन रो हम कंप्लीट करेंगे बिनेंगे फिर हमारी ये नीचे के तले की चौड़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम अपना सेकंड कलर लगा के इसको बिनना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये नाइन लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसके आगे हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे ये देखिए यहाँ पे मेरी ए दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ लाइन कंप्लीट हो गई है टोटल अट्ठारह सिलाई मैंने बना लिया है दोनों तरफ से लाइन ये हमारी है अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे इसको डबल नॉट कर लीजिए और अब यहां से हमारा ये पोर्शन बनना स्टार्ट होगा देखिए इस तरीके से बीच में बॉर्डर जैसा है किनारे किनारे हमारा सेम पैटर्न है तो इसको हम बनाएंगे तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम 25 फंदे उल्टे उल्टे बीनेंगे अपने सेकेंड कलर से तो ये देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये पच्चीस ये हमारा दोनों साइड सेम रहेगा इधर भी और इधर भी बीच में जो छियालीस फंदे हैं यानी कि फोर्टी सिक्स फंदे उस पर हमारा ये पैटर्न बनेगा पैटर्न बनेगा हमारा देखिए यहाँ से ये यहां तक हमने ये पच्चीस फंदे रखे हैं ये हमारा पैटर्न है तो ये दो उल्टा दो सीधा से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होगा तो ये रॉन्ग साइड से हम बना रहे हैं और राइट साइड में हमारा ये दो सीधा दो उल्टा आएगा तो ये देखिए इस तरीके से ये पच्चीस फंदे हो गए उन पीछे अब देखिए यहां से दो सीधा दो उल्टा ये हमारा रॉन्ग साइड है देखिए ये रॉन्ग साइड है रॉन्ग साइड से हमने कलर चेंज किया है और 25 फंदे बीनने के बाद हमने यहां पे दो सीधा बीना दो उल्टा तो ये टोटल मेरे 46 फंदे जो हैं इस तरह से बनेंगे तो देखिए दो चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस दो दो फंदे का ये बॉर्डर है देखिए इस तरीके से सत्ताईस, अठाईस उनतीस, तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौतीस पैतीस छत्तीस सैतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालिस और दो फंदा सीधा पैतालीस और ये छियालीस ये हमारे दो सीधे दो उल्टे बने हैं पच्चीस फंदे के बाद ये देखिए दो सीधा दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा फोर्टी सिक्स फंदों पे मैंने बनाया है फिर उन अपनी तरफ करेंगे यहां पे हमारे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और लास्ट ये पच्चीस सीधा ये हमारे रॉन्ग साइड से ये पैटर्न सेट हो गया डिजाइन हमने सेट कर दी अब हमारा यहां पे जो 25 फंदा है ये पूरा उल्टा उल्टा बिनेगा इतना मैं बिन लेती हूं देखिए पहला फंदा उतार के 25 फंदा ऐसे बिन लेंगे ये देखिए ये 25 फंदे हमने बिन लिए अब यहां से देखिए ये हमारा बॉर्डर है तो अब यहां पे ये देखिए ये दो उल्टा उन पीछे दो सीधा जो है ये दो सिलाई के बाद आपका ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा रॉन्ग साइड से हमने ये सीधा बीना है बाकी सारे उल्टे और राइट साइड से ये पच्चीस फंदे हम उल्टे बीनेंगे इसके बाद हमारा दो उल्टा दो सीधा का पैटर्न टोटल फोर्टी सिक्स पे जाएगा तो इस तरीके से ये देखिए ये सीधा यहां पे दो सीधा उनागे, यहाँ पे देखिए ये दो उल्टा है तो ये दो उल्टा टोटल फोर्टी सिक्स फंदे इसी तरीके से ये देखिए सेम ऐसे आया है दो सीधा दो उल्टा अब बाकी के पच्चीस फंदे जो है उसको हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे दूसरी सिलाई है ये चार चार सिलाई सेम ऐसे ही बनेगा ये देखिए इस तरीके से ये हमारा राइट साइड पे उल्टा आया है रॉन्ग साइड पे हमारा यहाँ पे सीधा है तो एक दो तीन सेम पच्चीस पच्चीस फंदे किनारे के उल्टे उल्टे बीस में ये जो है दो सीधा दो उल्टा रॉन्ग साइड से और राइट साइड में पच्चीस के बाद दो उल्टा दो सीधा तो दो चार छ ये हम सिलाई बनाएंगे चार चार सिलाई की हमारी लाइनिंग है उसके बाद हमारा यहाँ पे ये पैटर्न चेंज होगा तो ये दो चार छ हमारा देखिए इस तरह से दो लाइनिंग आया यानी कि चार सिलाई हमने बनाया है तो दो दो लाइनिंग का मतलब चार चार आठ चार बारह सिलाई हमारा इस तरीके से बनेगा तो ये दो दो लाइनिंग हमारी एक कलर से आएगी तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे पच्चीस पच्चीस फंदे सेम रहेंगे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बीच में फोर्टी सिक्स फंदे जो हमारे छियालीस फंदे वो हमारे सीधे उल्टे इस तरह से बॉर्डर के जैसे बनेंगे चार चार सिलाई दोनों कलर से ये जब हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ ये देखिए यहाँ पे ये मेरी दोनों लाइनिंग कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड है ये ये देखिए राइट साइड सेम फोर्टी सिक्स फंदे का ये हमारा बॉर्डर और 25 25 दोनों साइड का ये उल्टा उल्टा अब यहाँ से हम अपना ये लाइट कलर लगा के जैसे अभी तक बीनते आ रहे हैं उसी तरीके से फिर से इसको भी बना लेंगे ये इस तरह से 25 फंदे इधर के प्लस 46 बीच वाले जो हैं और किनारे के तो ये सेम इस कलर से बना लेते हैं फिर राइट साइड से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा तो इस तरीके से इसको बिन लेते हैं पहले राइट रॉन्ग साइड से ये पूरा और राइट साइड से फिर ये हाफ यहां ट्वेंटी फाइव फंदे तक इतना इस कलर से ये देखिए रॉन्ग साइड से पूरी सलाई सेम बिन्नते हुए यहां और राइट right साइड में ये 25 फंदे मैंने बेन लिए हैं उल्टे उल्टे अब यहां से हमारा पैटर्न देखिए स्टार्ट है ये ये हमारा पैटर्न स्टार्ट है तो इसके लिए देखिए यहां से क्योंकि रॉन्ग साइड से देखिए ये बॉर्डर है और राइट right साइड में ये दो उल्टा है दिख रहा है तो अब यहां से ये देखिए दो उल्टा एक साथ उन पीछे दो सीधा एक साथ जो हमने बीच में छियालीस फंदे इस तरीके से बीने हैं फोर्टी सिक्स फंदे का ये जो हमने बॉर्डर बनाया था तो ये देखिए दो सीधा एक साथ उन अपनी तरफ ये दो उल्टा एक साथ यानी कि दो का एक दो का एक हमको करते जाना है जितना हमने ये बॉर्डर का पोर्शन बीना है बीच का इस तरीके से ये देखिए दो का एक यहाँ पे उन आगे दो का एक उन पीछे दो सीधा जो है जो जैसे फंदे है उसको उसी तरीके से बिनते हुए दो का एक करना है जो उल्टे फंदे हैं उनको हम इस तरह से उल्टा बिनेंगे उन पीछे जो दो सीधे फंदे हैं उनको हम ऐसे सीधा बिन देंगे दो का एक ये इस तरीके से फिर ये ऐसे फिर दो का एक उल्टा दो का एक सीधा उन अपनी तरफ देखिए उन पीछे इसी तरह से ये टोटल फोर्टी सिक्स फंदे का हाफ हो जाएगा यानी कि ट्वेंटी थ्री फंदे हो जाएंगे यहाँ पे सेंटर में ये इतना ये हमने दो का एक दो का एक कर लिया अब यहाँ से ये ट्वेंटी फाइव फंदे जो हमारे हैं ये हम इस तरह से उल्टे उल्टे बिन लेंगे और उधर से फिर से इतना बिन के फिर मैं यहां तक आती हूँ तो आपको दिखाती हूं ये देखिए रॉन्ग साइड से ये पच्चीस सेल पच्चीस फंदे हमने बिन लिए लाइट कलर से और अब यहां का जो देखिए ये फंदा है हमने घटा दिया है सभी फंदे का दो का एक हो चुका है तो अब इन सभी फंदों को हम ये देखिए एक सीधा और एक उल्टा ऐसे बिन लेंगे राइट साइड से भी सेम यही करेंगे ये देखिए इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा क्योंकि हमने दो का एक कर दिया है यहाँ पे तो ऐसे ये हम पूरी सलाई इस तरीके से फिर सीधी तरफ से भी सेम एक सीधा एक उल्टा और ये जो 25-25 फंदे हैं, ये जैसे हमारे बनते आ रहे हैं इसी तरीके से बनेंगे बीच में अब ये हमारा एक उल्टा एक सीधा हो जाएगा तो 23 फंदे बीच के जो हैं, वो इस तरीके से और 25-25 दोनों किनारों के उल्टे उल्टे दोनों तरफ से तो ये देखिए तीसरी सलाई है चौथी सिलाई बनाने के बाद फिर से हम एक बार ये कलर चेंज करेंगे यहाँ पे देखिए ये ऐसे आया है एक सीधा एक उल्टा और ये हमारी लाइनिंग सेम है फिर जब हम ये कलर लगाएंगे तो फिर से एक बार ये फंदे घटेंगे तो इस तरीके से पहले बना लेते हैं तीसरी सिलाई और फिर राइट साइड से चौथी सिलाई ये देखिए चौथी सिलाई यहाँ पे हमारी पूरी हो जाएगी ऐसे और अब रॉन्ग साइड से फिर से हम कलर चेंज करेंगे तो ये देखिए ये कलर लगा के 25 फंदे यहाँ तक ये वाला सेम बॉर्डर और फिर यहाँ से उल्टा सेम जैसे अभी तक हम बिनते आ रहे इतना बिन लेंगे और राइट साइड से फिर 25 फंदे इस कलर से हम बिन लेंगे तो ये हमारा ये देखिए इस तरीके से आएगा तो ये कलर चेंज कर लिया एक बार और ये धारी बनेगी इसके बाद ये चार सलाइयों के बाद हमारा ये वाला ऊन कट हो जाएगा और ऊपर का बॉर्डर रह जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से पूरा बिन लेते हैं 25 फंदे बीच का बॉर्डर फिर इधर के 25 फंदे और राइट साइड से 25 फंदे ये देखिए राइट रॉन्ग साइड से कलर चेंज करके एक सिलाई मैंने बना ली है अब ये वाले 25 फंदे भी इस कलर से इन फंदों को जो दोनों किनारों पे 25-25 फंदे हैं, इन्हें हमको कुछ नहीं करना है जो भी होगा हमारे बीच के फंदों में होगा तो ये 25 फंदे इस तरीके से बीन लेंगे यहाँ पे टोटल उल्टा उल्टा जो दोनों तरफ हम बिनते आ रहे हैं उसी तरीके से देखिए राइट साइड है ये ये देखिए ये पच्चीस फंदे हमारे हो गए अब हम ऊन पीछे करेंगे यहाँ पे देखिए ये पहले उल्टा फंदा है फिर सीधा जो हमारे बीच के फंदे थे तो अब इन दो फंदों को लेके हम दो का एक बिनेंगे ऐसे सीधा फिर यहाँ पे देखिए सीधा उल्टा फंदा जो है इसके बाद सीधा फंदा है तो इन दोनों फंदों को लेके हम दो का एक करेंगे ऐसे सीधा बीनते हुए तो बीच के अब ये सारे फंदे जो हमारे हैं वो सीधे सीधे हो जाएंगे कोई भी बॉर्डर अब यहां पे नहीं है यहां पे घटते घटते सारा बॉर्डर का पैटर्न जो है वो खत्म हो गया और इस तरीके से सीधा सीधा फंदा हम घटा देंगे तो ये जो ट्वेंटी थ्री फंदे थे देखिए ऐसे इसको हम ऐसे घटा के बीच में सारे फंदे हम सीधे कर लेंगे अब देखिए ये लास्ट वाला बचा ये सीधा और एक ये ये भी हमारा है साथ के साथ तो अब इन तीन फंदों को हम एक संग बिन देंगे क्योंकि अब किनारे वाले फंदे को हम इधर कैसे ले जाएंगे इसलिए ये बीच का फंदा है बॉर्डर वाला जो राइट साइड से रॉन्ग साइड से देखिए ये सीधा आ रहा था और राइट साइड में उल्टा तो ये एक दो और तीन इन तीनों फंदों को लेके इस तरीके से हम ये तो अब देखिए यहां से यहां ये हमारा इतना दो चार छ आठ दस और ग्यारह ये ग्यारह फंदे हमारे बीच के हैं अब इसमें कुछ नहीं करना है दोनों तरफ से रॉन्ग साइड से टोटल उल्टा उल्टा बीनना है राइट साइड से इन ग्यारह फंदों को हम सीधा बिनेंगे। चार सिलाई इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे ये दूसरी सिलाई है दो सिलाई हमारी और ये देखिए यहाँ पे ये हमारी चार सिलाई कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा और राइट साइड से ये 25-25 फंदे उल्टे और ये यहाँ पे 11 फंदे जो है वो टोटल सीधे फंदे अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो कलर है वो खत्म हो गया तो इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए अब इस वाले लाइट वाले कलर से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा, उल्टा उल्टा यहां से अपना ये कलर लगा के रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा और राइट right साइड से फिर वही 25 फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। बीच के जो 11 फंदे हैं वो भी अब इस सलाई में राइट साइड से हम बंद कर देंगे तो ये पूरी सलाई इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेते हैं ये देखिए रॉन्ग साइड से पूरा ये कलर चेंज करके एक सलाई मैंने बिन लिया है पूरा उल्टा उल्टा उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है अब सीधी तरफ से ये 25 फंदे पहले हम बिन लेते हैं इस तरीके से देखिए पच्चीस फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे ये देखिए और अब ये जो ग्यारह फंदे हमारे प्लेन है ये देखिए इनको हम इस सिलाई पर निकाल लेते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह अब क्रोसिया हो जो भी आपके पास हो तो ये देखिए ये ग्यारह फंदे जो हैं अब इस पे चढ़ाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ये जो उन पीछे हमारा उधर है इसको हम आगे कर लेंगे अपनी तरफ ऐसे और इन फंदों में से ये धागा ऐसे क्रोसिये से निकाल लेंगे क्योंकि सारे फंदे सलाई से अच्छे से बंद नहीं होंगे तो ये सारे ग्यारह फंदे हमको अब यहाँ पे बंद कर देने हैं देखिए ऐसे और एक बार इसको ऐसे करके पैक कर देंगे तो ये हो गया अब इसको हम सलाई पे ऐसे चढ़ा देंगे ये देखिए इस तरीके से अब क्रोशिया हटा दीजिए और बाकी के सारे फंदे हम इस तरीके से आगे करके उल्टे उल्टे बिन लेंगे अब यहाँ पे ये देखिए और रॉन्ग साइड से फिर से पूरा उल्टा उल्टा करते हुए ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है ये हो गया ये लाइन कंप्लीट अब एक दो तीन और हम करेंगे टोटल हमारी एक दो तीन चार लाइनिंग आएगी एक हमारी यहाँ पे देखिए इसी के साथ कंप्लीट हो जा रही है छह सिलाई इसके बाद हम और बनाएंगे उल्टा उल्टा फिर हमारा ये ऊपर का बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद हम सारे फंदे बंद कर देंगे ये देखिए चार लाइन कंप्लीट हो गई है यानी कि टोटल आठ सलाई ये बनाने के बाद टोटल सलाई। ये जो है देखिए इस तरीके से अब उल्टा उल्टा बीनते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे यहां से ऐसे और इसके बाद ये दो का दो, दो का एक दो का एक करते हुए सारे फंदे हम ऐसे बंद कर देंगे इस तरीके से उल्टे तरफ से सारे फंदे हम बंद कर देंगे ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड से उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा बीनते हुए सारे फंदे इस तरीके से हमने बंद कर दिए और अब इसमें बड़ा सा धागा लेके हम इसको कट करेंगे जिससे कि हम इसकी सिलाई भी कर लें तो ये मैंने कट कर लिया और इसमें से अब ये धागा हम निकाल देंगे तो ये देखिए हमारा जो पैटर्न है ये इस तरीके से आएगा ये और अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं अब इसकी सिलाई कर लेंगे तो सिलाई करने के लिए देखिए राइट साइड को ऐसे अंदर कर दीजिए और ये ये इधर से ये इतना ओपन पार्ट और नीचे का ये ओपन पार्ट जो है इसको हम नॉर्मल जैसे भी आपको सिलाई आती है आप इसको सिल सकती हैं तो धागा मैंने एक्स्ट्रा काटा था इसी से मैं सिलाई करूंगी तो यहां से पहले इसको ऐसे फंसा लेंगे इस तरीके से और जो पहला फंदा हमने उतारा है इसी को ऐसे पकड़ते हुए सारी सिलाई हम कर लेंगे ये इतना और ये नीचे का ये देखिए सिल कैसे आएगा और अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से ये देखिए तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से आ जाएगा आपको इसे बड़ा बनाना है तो आप वन हंड्रेड सिक्स फंदे रखिए ये जो मैंने ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव रखा है यहाँ का ये आप थर्टी थर्टी कर लीजिए थर्टी फाइव का लीजिए और बड़ा पैर है तो मतलब सत्तर रख लीजिए लेकिन बीच वाला जो ये पोर्शन है इसको ऐसे ही रखिएगा तो आपका ये डिजाइन सेट हो जाएगा यहाँ के फंदे आप पांच फंदे दस फंदे बढ़ा सकती है अपने पैर के हिसाब से ये देखिए दोनों पैर का बिल्कुल एक जैसा बनेगा और बस एक सिलाई हुई है यहां से लेके नीचे यहां तक नीचे से बनी है एक पैटर्न है दोनों पैर का किसी पैर के लिए कोई भी बना सकती है तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको जूती जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये जूती पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए धन्यवाद